हमारे हाथों में इतनी ताकत है, ये जुड़ जाए तो शराफत है, ये मिल जाए तो मोहब्बत है, और खुदा के सुपुर्द से आए तो कयामत है। जब मैं क्लास पूरे पढ़ता था, जब मैं क्लास पूरे पढ़ता था, उसे नहीं एक बार मुझसे बोले पंडित क्या यार, जिसके पास कंप्यूटर है वो है मानव। बोले ये कैसे होता है? तो लोग आगे बोले कंप्यूटर का बटन दबाओ जो चाहो सो पाओ। मैं तो सलाह बोल दू, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, कंप्यूटर का बटन छत से दबाया। बोला महात्मा गांधी के बारे में कुछ बताओ कि जीवन का हमें किसना। तो वो क्या बोलते कंप्यूटर, वे नाश्ते में 10 अंडा रोज खाते थे, आधा मुर्गी कच्चा चबाते थे, उनके पास चीज हथियार थे और भक्ति खुलता। फिर तो मुझसे रहा गया, अपने राष्ट्रपिता का अपमान सहा गया। बोला अरे हमारे राष्ट्रपिता के बारे में ऐसा करते हो, किस काम के पापी लिखा करते हो? वो बोल रहा है अरे मुल्क तुम उस पर झूठा इल्जाम लगाते हो, अरे महात्मा गांधी के बारे चंगे शाखा पर क्यों बात है? आखिर क्या लिखो कैसे लिखो? लोग बहुत लोग बोलते हैं ऐसा कुछ लिखिए, कुछ आपकी लिखिए, कुछ आपकी लिखिए, उससे हमारे मन में एक बात है इसको लिखिए। आखिर क्या लिखो कैसे लिखो, इस बात को लिखो क्यों? लिखता तो हूं मगर लेखनी जहर से जाती है, लिखता तो हूं मगर लेखनी जहर से जाती है, उसका कारण हूं मगर अंत निराशा से हटा दी है। फिर भी लिखना चाहे जैसे लिखो, आखिर क्या लिखो कैसे लिखो। आगे सुनिए, लिखा तो गया भारत का संविधान, रामायण गीता वेद और पुराण की, फिर भी क्या फायदा हुआ? किसने इन्हें दिल की गहराई में छुआ? वही गुनाहों के दंड में फंसी आम आदमी की जिंदगी और सतयुगी राम को छोड़ कलयुगी राम की होती। मुझे लिखना है वो जो सबके दिलों में तूफान ला दे, मुझे लिखना है वो जो सबके दिलों में तूफान ला दे और जो सबके मन में सबके प्रति वसुधैव कुटुंबकम का सम्मान ला दे। मगर वहां क्या लिखूं जहां लेखनी की कीमत लगती है, जैसे अश्विनी का वो चुकी आपको पता ही होगा जिसने दिया पैसा तो लिख दिया, लेकिन वहां क्या लिखूं जहां लेखनी की भी कीमत लगती है, अश्लीलता पुस्तकों के रूप में लिखी की अभाव होती है, जहां अच्छे लेखन का महत्व नहीं है और दूसरे का तो छोड़िए, जहां अच्छे लेखन का महत्व नहीं है और लेखक का अपने ही पुस्तकों के प्रति अपनत्व नहीं है, उन्हें तो बस कुछ भी लिखवा उसे छपवाना है और घटिया साहित्य परोसकर केवल धन कमाना है। मगर फिर भी लिखना है चाहे जैसे लिखो, आखिर क्या लिखो कैसे लिखो। अब धन्यवाद।